स्टूडेंट्स कॉर्नर। सुबह के 4 बज रहे हैं। हम हर रोज की तरह आज फिर से 2 अप्रैल 2020 10 एमसीक्यू जीके के डिस्कस करने के लिए हाजिर हैं। आज का पहला सवाल, टोक्यो ओलंपिक गेम्स कब रिशेड्यूल हो गया है? आपको बता दूं, टोक्यो ओलंपिक गेम्स अभी हाल में ही होने वाला था, लेकिन ये रिशेड्यूल हो गया है कोरोना वायरस की वजह से। इसके डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। तो क्वेश्चन यही है कि अब कब निर्धारित किया गया, पुनः निर्धारित किस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया, अब टोक्यो ओलंपिक्स कब होंगे? तो इसका आंसर है जुलाई 2021। अब टोक्यो ओलंपिक्स जुलाई 2021 में होंगे। ये है टोक्यो ओलंपिक्स का मैस्कट। मैस्कट का नाम है सोमीटी। सोमीटी नाम है इस मैस्कट का। इसमें 205 देश भाग लेने वाले थे टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, जो कि अब शेड्यूल हो गया है जुलाई 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 की एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग बुलाई गई थी फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की, तो इस G20 की मीटिंग को किसने अटेंड किया है भारत की तरफ से? प्रधानमंत्री रामनाथ कोविंद ने, नरेंद्र मोदी जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने, या होम मिनिस्टर अमित शाह ने? तो इसका आंसर है फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। सी ऑप्शन जो है सही है। आपको बता दूं, G20 जो है 19 देशों और यूरोपियन यूनियन का समूह है, जो 1999 में स्थापित हुआ था। इसके हेड हैं इस वक्त सऊदी अरब के किंग सलमान। सऊदी अरब भी इसके हेड हैं। ये 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन का समूह है। ये यहाँ से आपके 19 देश हैं और ये यूरोपियन यूनियन है। इनका समूह G20 कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपने चीफ मिनिस्टर, एमएलए और सारे मिनिस्टर्स की सैलरी में कटौती करने का वादा किया है। मार्च महीने का वेतन जो होगी, मार्च महीने की सैलरी में से कुछ परसेंटेज कोरोना वायरस के लिए काट लिए जाएंगे, जिससे सरकार को कोरोना वायरस से लड़ने में मदद मिलेगी। तो कितने प्रतिशत की कटौती की बात कही गई है? 50%, 60%, 75% या पूरा 100%? सही आंसर है 60%। 60% सैलरी इस बार महाराष्ट्र के सीएम को और दूसरे मिनिस्टर्स को कम मिलेगी और ये पैसा कोरोना वायरस के लिए जाएगा। ये महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं, इन्होंने ये 60% का घोषणा किया है, 60% कटौती मार्च महीने की सैलरी में। चौथा क्वेश्चन आज का है कि 2021 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ होने वाला है? 2021 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ होने वाला है? आपको बता दूँ, ये शिफ्ट हो चुका है अब 2022 में, 2021 में जो होने वाला था, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स आपको पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने कि रीअरेंज हो गया है, वो चेंज हो गया, उसका शेड्यूल चेंज हो गया है। तो टोक्यो ओलंपिक्स को चेंज होने की वजह से वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप भी रीशेड्यूल हो गया। तो 2021 वर्ल्ड ओलंपिक्स चैंपियनशिप जो 2021 वाली होने वाली थी, वो कहाँ होने वाली थी? इसका आंसर है ओरेगन। ओरेगन में होने वाली थी, जो कि अब 2022 में शिफ्ट हो गई है, 2022 में होगी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ओरेगन। पांचवा क्वेश्चन आज का, कि इनमें से कौन लॉन्च करने वाला है एक मिशन जो सूरज के जो विशालकाय तूफान होते हैं उसको स्टडी करेगा? सूरज में जो तूफान बनता है वो कैसे बनता है, उसकी स्टडी करने के लिए इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी काम करने वाली एक मिशन लॉन्च कर चुकी है? नासा, इसरो, ईएसए या जैक्सा? तो इसका आंसर है नासा। नासा ने अभी ट्वीट करके बताया है कि वो सनराइज मिशन शुरू करेगी। सनराइज, सन से तो सन है, आर का मतलब है रेडियो, आई का मतलब है इंटरफेरोमीटर, एस का मतलब है स्पेस, ई का मतलब है एक्सपेरिमेंट। तो सन, रेडियो, इंटरफेरोमीटर, स्पेस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत लॉन्च कर दिया है नासा ने। नासा इस पर स्टडी करेगा कि सूरज में किस तरीके से जो स्टॉर्म्स आते हैं, जो तूफान आते हैं, वो कैसे आते हैं, इसकी स्टडी के लिए सनराइज मिशन लॉन्च किया है नासा ने। लाइफलाइन उड़ान किसने लॉन्च किया, ये आज का छठा सवाल है। लाइफलाइन उड़ान किसने लॉन्च किया है? आपको बता दूं, लाइफलाइन उड़ान के तहत 15.4 टन एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज को पहुंचाया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, जिससे कोरोना वायरस से लड़ने में मदद मिल सके। तो ये लाइफलाइन उड़ान किसने शुरुआत किया है? कल्याण मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, विज्ञान अनुसंधान मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड रिसर्च, या गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री? इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं हर्षदीप पुरी, उन्होंने लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है। लाइफलाइन उड़ान से जो 15.4 टन एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज, जो दवाइयां हैं, वो पहुंचाई जाएंगी और दूसरी चीज़ें पहुंचाई जाएंगी
जो चिकित्सा के रिलेटेड चीज़ें हैं उनको पहुंचाया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, ताकि कोरोना वायरस से लड़ने में मदद मिल सके। सिविल एविएशन डिपार्ट मिनिस्ट्री ने ये उड़ान लॉन्च की है। आज का सातवां सवाल, इनमें से किसने सरकार से ये कहा है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन की शुरुआत की जाए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन की शुरुआत की जाए, जिस तरीके से इसरो मिशन चलाते हैं उसी तरीके से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन की भी शुरुआत की जाए, ये भारत सरकार से एक डिमांड रखी गई है। IESA ने डिमांड रखी है या DRDO ने, CSIR ने या IMD ने? तो इसका आंसर है IESA, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन ने यह डिमांड रखी है, जिसके चेयरमैन है जितेंद्र चड्डा। इन्होंने यह डिमांड रखी है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मिशन भी एक शुरुआत की जाए भारत सरकार के द्वारा। IESA का ये लोगो है, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन। आज का आठवां सवाल, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में 1,25,00,000 रुपए की आर्थिक मदद की है? इनमें से किसने फाइनेंशियल हेल्प दिया है भारत सरकार को? ऑप्शन है सानिया मिर्जा, लियांडर पेस, महेश भूपति या सोमदेव देववर्मन। तो इसका आंसर है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ने 1,25,00,000 रुपए की धनराशि भारत सरकार को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दी है। सानिया मिर्जा को पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आज का नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस का कौन सा खेल कैंसिल हो गया है? टेनिस के कई खेल होते हैं, US ओपन है ऑप्शन आपका, विंबलडन चैंपियनशिप है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है आपके ऑप्शन। तो इनमें से कौन सा खेल है जो टेनिस एसोसिएशन ने कैंसिल कर दिया है? तो इसका आंसर है विंबलडन चैंपियनशिप। विंबलडन चैंपियनशिप इस साल नहीं होगा, कोरोना वायरस की वजह से इसे कैंसिल कर दिया गया है। चैंपियनशिप विंबलडन इसे कैंसिल कर दिया गया है। आखिरी सवाल आज का, इनमें से कौन सा देश अभी हाल में ही जिसने नाटो को ज्वाइन किया है? आपको बता दूं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका के एली ग्रुप्स होते हैं, इनको ज्वाइन करने वाला यह 30वां देश बन चुका है, 30th मेंबर, 30वां मेंबर है यह देश जिसने ज्वाइन किया है नाटो को। इसका आंसर है उत्तरी मैसेडोनिया या नॉर्थ मैसेडोनिया, इसने अभी हाल में ही नाटो ज्वाइन किया है। उत्तरी मैसेडोनिया का कैपिटल है स्कोपजे। तो ये थे आज के 10 जनरल नॉलेज के सवाल, करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम हर रोज़ की तरह कल भी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं प्लीज़ हमारा। और कोई क्वायरी हो या कोई आपके कंप्लेंट्स हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या हमारे अंदर कोई कमी नज़र आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम ज़रूर आपके जो क्वेरीज़ हैं, आपके जो डिमांड्स हैं, उसको पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।